गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह, मैं बता रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं बाइक लेने के लिए जा रहा था, मैंने बाइक चूज कर रहा था। मैंने ऑलरेडी देखा बहुत सारा बाइक, जिसमें से TVS Apache RTR 160, TVS Raider 125 और Honda 160, पुराना वाला CB Honda 160 देखने के लिए गया था, बट वो वहाँ पे शोरूम पे था ही नहीं। और उसके बाद फिर मैंने देखा रोल्टा बजाज गया था बागोयाटी के पास, वहाँ पे मैंने देखा बजाज N160 जो कि बहुत मस्क्यूलर था, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैं फाइनली देखा पल्सर P150। तो ये सारे बाइक्स मैंने ऑलरेडी देख लिया, सोच समझ लिया, और अब मुझे डिसाइड करना है। डिसाइड नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे लिए कौन सा बाइक सही रहेगा। वैसे मुझे सबसे अच्छा इनमें से लगा था N160, बिकॉज बहुत मस्क्यूलर लुक था और नेकेड बाइक था, मतलब सामने से बहुत ही अग्रेसिव लुक था उसका, देखने में हर तरफ से ही बहुत अच्छा था। टायर्स वगैरह भी, फ्रंट प्रोफाइल बैक प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त था टायर। तो एनीवेज उसके बाद मुझे पसंद आया था, मतलब मुझे जिस लिए चाहिए था, मुझे जो काम के लिए चाहिए था बाइक बहुत चलेगा, तो मुझसे 160 से उतना माइलेज निकलेगा नहीं, ऑब्वियस सवाल है, क्योंकि हैवी बाइक है। और फिर मेरा नज़र पड़ा दोस्तों P150 में, तो आज जा रहे हैं बाइक बुक करने के लिए फाइनली। तो अभी चलते हैं हम शोरूम, क्योंकि बिना एसी का भी रहा नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है कोलकाता में। शो करता है 39-40 बट फील्स लाइक दिखाता है 45-46-47, मतलब हालत ख़राब हो जाता है। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ शोरूम, और आवाज़ हो रहा होगा, मैं एसी बंद कर देता हूँ और पूरा हालत ख़राब हो गया। चलते हैं बाहर, शोरूम मेरे पीछे है, जाते हैं और साइन करते हैं। ये रहा लाल लाल हमारा रेसिंग रेड पल्सर, जो कि मेरा नहीं है, मेरा पल्सर आएगा। और ये अच्छा लग रहा था 160। ये पुराना वाला पल्सर और ये है नया वाला पल्सर ब्लू कलर का। ये ट्विन सीट वेरिएंट दोस्तों, और वो सिंगल सीट, मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा क्योंकि टायर्स वगैरह भी बहुत पतला है। तो चलो हम वेट कर रहे हैं, बस साइन करना है, फॉर्मेलिटीज क्लियर कम्प्लीट हो रहा है, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। एक ही साइन होगा ना? साइन हो गया दोस्तों, ऑफिशियली मैंने बुक कर लिया है पल्सर P150। गाड़ी मुझे अराउंड 10 डेज के बाद मिलेगा, मेरा गाड़ी पीछे लगा हुआ है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना एक्सप्लोर विद फैजान को। तो ये मैं हूँ अभी, आप पीछे देख सकते हो पेट्रोल पम्प है, खन्ना वाला शोरूम है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये बैनर उतर गया है, अभी बैनर लग रहा है अभी शोरूम का, देख सकते हो वहाँ सारा गाड़ी है, गाड़ी यहाँ रखा है। अब चलते हैं यहाँ से, साउथ सिटी जाना, उससे पहले भी कुछ काम है वो करते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। पार्क कर दिया मैंने, बड़ा कॉम्पैक्ट स्पेस था, मतलब पार्किंग बोला, उन्होंने बोला था कि पार्किंग नहीं है, अलग से उनको 40-50 रुपीस दे दूंगा जो दरवान थे यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे पार्किंग, मतलब कैफे का पार्किंग नहीं, आपको बाहर पार्क करना पड़ेगा अगर आप बाइक या कार लेके आ रहे हो तो। और मेरे इस साइड में आप देख सकते हो वहाँ पे सिक्किम हाउस है, जो कि बहुत फेमस है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में कैफ़े है। तो अभी चलते हैं कैफ़े के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं जो भी मैं खाता हूँ, मिलते कैफ़े के अंदर। बोमा एशियन बेकरी, अजीब सा नाम है ये। चलते हैं अभी कैफ़े के अंदर, ये मेन डोर है इसका। वैसे तो दोस्तों मुझे ज़्यादा कुछ बुक तो नहीं था, क्योंकि बाइक नया नया बुक किया था तो उसका एक अलग खुशी होता है, आप समझ सकते हो, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। तो सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, और कुछ बेक्ड आइटम खाने का मन था, तो इसीलिए ये कैफ़े रिसेंटली शायद ओपन हुआ था, तो सोचा यहाँ आ जाते हैं। दोस्तों कैफ़े बहुत ही क्यूट सा अडोरेबल काइंड ऑफ था, और इंटीरियर इसका आप देख सकते हो कितना कलरफुल है, तो एक बहुत स्वीट सा वाइब दे रहा था। बहुत इंतजार के बाद फाइनली दोस्तों हमने ऑर्डर किया एक बनाना पैनकेक और उसके साथ साथ एक बोमा चॉकलेट फ्लेवर टी। सर्व होने के बाद दोस्तों जो मीठी मीठी से खुशबू आ रही थी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसको खाया मैंने तो मतलब क्या बताऊं दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी
बहुत अच्छे से बना हुआ था और बेक तो पूरा परफेक्ट किया हुआ था, और इससे कंडेंस मिल्क आपको देख ही रहे हो कितना ज़बरदस्त दिख रहा था, और उसके साथ साथ जो नटेला चॉकलेट भी भर भर के दिया हुआ है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, अगर आप यहाँ पे कभी भी बाई चांस आ रहे हो और यहाँ आना तो ये खाना ज़रूर। उसके बाद दोस्तों मैंने ट्राई किया बोमा टी, और ये भी काफ़ी थिक और चॉकलेट का फ्लेवर पूरा आ रहा था अच्छे से, और ये भी रिकमेंडेड है, अगर आना तो ये ट्राई आप कर सकते हैं। एंड यस, अगर इफ यू लव कोरियन ड्रामा कोरियन फूड तो ये जगह पे आके आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं साउथ सिटी से भी आ गया, तो अब जाएंगे घर, खाना वाना खाएंगे, भूख भी काफ़ी लगा है। और मैंने पल्सर B150 इसीलिए बुक किया, और मुझे पसंद वो इसीलिए आया कि क्योंकि मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो गाड़ी मुझे एकदम ठीक लगा, मतलब परफेक्ट लगा मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। थोड़ा सा मस्क्यूलर, मतलब N160 के जैसा तो नहीं है, बट थोड़ा सा है, काफ़ी स्टाइलिश है, हेड फॉग लैम्प बड़ा मस्त है, स्मोकी लुक वाला, और माइलेज भी ठीक ठाक है, मतलब कंपनी क्लेम कर रहा है 55 to 60 होगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, बट एटलीस्ट 45 इजीली आ जाएगा, मतलब नॉर्मल अगर आप चलाओगे 55 to 60 का स्पीड रख करके तो इतना आ जाएगा माइलेज अच्छे से, क्योंकि है मतलब वो गाड़ी को मुझे बहुत चलाना है, उस वजह से ही मैंने मेरा मोटिव लेने का वही था। तो थोड़ा सा स्टाइलिश भी है, दिखने में भी अच्छा है, सेफ्टी फीचर्स भी अच्छा है, मतलब ABS भी है गाड़ी में, और पीछे भी डिस्क ब्रेक है, तो मैंने डुअल ब्रेक वाला लिया, मैंने डुअल डिस्क ब्रेक वाला लिया मॉडल, तो इस वजह से मैंने वो चूज़ किया, बाकी सारे गाड़ी को साइड में रख कर, क्योंकि मुझे 10,000 का डिस्काउंट भी पड़ा, तो काफ़ी डिफरेंस हो गया 160 बाइक में और 150 में मेरा, मतलब प्राइस वाइज अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों को। तो मैंने दोस्तों इसीलिए बुक किया पल्सर P150। तो इसका पूरा रिव्यू तो मैं आपको चलाने के बाद ही दिखाऊंगा, बहुत सारा रिव्यूज़ आएगा अभी मेरे चैनल में भी, आई नो मैं खाने वाने का वीडियोस दिखाता हूँ, बट ये भी अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। तो एनीवेज यहीं तक था आज का मेरा वीडियो, और मुझे थैंक यू सो मच बोलना मोटोजो को, क्योंकि उसने मुझे बाइक लेने में उसने भी हेल्प किया, आप लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा ही था, वो भी मेरे साथ गया था बागी वैडी शोरूम, और होंडा का शोरूम भी गया था, बट वहाँ पे होंडा वो बाइक था ही नहीं। एनीवेज तो ये वीडियो यहीं तक था दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, और आपको अब खाना के साथ साथ बाइक का रिव्यू देखने को मिलेगा मेरे चैनल्स में, तो बाय बाय।